असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स जो 7 जनवरी 2024 को हुआ था थर्ड पेपर के लिए, तो उसकी आंसर की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। लगभग आपको सभी 100 प्रश्नों के उत्तर 99% आपको जो सही सटीकता के साथ बताए जाएंगे। फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आपके जो 100 ही प्रश्न हैं उनके आंसर की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपके जो क्वेश्चन क्रमांक है वो अलग अलग है, ऑप्शन भी ऊपर नीचे हैं, तो प्रश्न के साथ में इसका सीधा उत्तर बताएंगे ताकि आप अपना उत्तर का मिलान कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में राजस्थान ने की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो कसीदाकारी जो प्रसिद्ध है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है, और ये अगस्त 2023 में 5 कलाओं को GI टैग प्राप्त हुआ था, तो इसमें बीकानेर की कसीदाकारी को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 है इसका, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रखा है? तो ये 2030 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठ यह पुरस्कार दिया गया है? तो के सचिनंद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए किस पुरस्कारों की वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो इनमें मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये रत्न कुमार सांबरिया को दिया गया है। इनका उपन्यास का नाम है सांप। इस सांप उपन्यास को पर इनको जो ये मीरा पुरस्कार दिया गया है, तो रत्न कुमार सांबरिया इनका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा प्रश्न है, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी, इनमें से कौन सी एक नहीं थी? तो इसमें से जो नहीं थी वो स्नेहल राठौड़ नहीं थी। स्नेहल राठौड़ के स्थान पर सुषमा शर्मा, निधि शर्मा, साक्षी कुमारी और मुस्कान मलिक, ये 4 महिला पुलिसकर्मी अधिकारी थी। इनमें से जो स्नेहिल राठौड़ है वो इसमें शामिल नहीं थी, तो इसका उत्तर आपके स्नेहिल राठौड़ होगा। सातवां प्रश्न है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गोपांगना वेबम है इसके ऊपर इनको ये अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्राप्त किया गया था। आठवां प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया। इनकी जो कृति है वो कुदरत सु कुचमाद एक कृति है, इन पर इनको मिला है। निम्न से मिस इंडिया मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसको मिला है? तो ये जीता है प्रियंत सेन को। नेक्स्ट आंसर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो प्रियंत सेन होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निवारण किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा थोलाई जम्बा रामगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप को में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते थे? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका दिव्य कीर्ति सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान की मोनिन कौशिक ने शिफ्ट सामरावर का आसी चौकसी के साथ हांगजो एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर कितना है? तो ये 1764 है, इसका उत्तर हो जाएगा 1764। 13वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो जयपुर जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरास्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तीसरा, नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये उदयपुर में आयोजित की गई, इसका उत्तर हो जाएगा आपके उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने करवाया था, इसका उत्तर होगा सुल्तान मोहम्मद खिलजी। बागोर सभ्यता के बारे में जो पूछा गया था प्रश्न, इसमें आपके दोनों ही कथन सही है कि बागोर से लघु पाषाण उपकरण सामग्री प्राप्त हुए और डॉक्टर LS लेसनी और पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया था, दोनों ही ये सही है।
अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नुसरत खां। नुसरत खां यहाँ पे मारा गया था। कछवा शासक जो है उनका आपको कालानुक्रम पूछा गया था पहले से बाद में, तो सबसे पहले हैं इसमें आपके सवाई जगत सिंह हैं, फिर सवाई जगत सिंह के बाद में आपके सवाई जय सिंह तृतीय हैं, इनके बाद में नाम आता है राम सिंह द्वितीय और सबसे अंतिम में माधो सिंह द्वितीय। तो इसका ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से आपको राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। अब अकबर ने प्रताप को समझाने के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो जमा बाटो में ये अबुल फजल शामिल नहीं होता है, अबुल फजल इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहाल चंद किससे संबंधित थे? किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित हैं। दादूपंथी का अधिकांश साहित्य किस बोली में? तो ये डुंडाड़ी बोली जिसको हम सदुकड़ी बोली कहते हैं उसमें ये संबंधित हैं। 28वां क्वेश्चन है कि 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय जो गुड़ला नृत्य है वो कब मनाया जाता है? वो चैत्र महीने में मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ये एक लोहे और चमड़े का बना वाद्य यंत्र, तो वाद्य यंत्र वाला जो है कि मंदिरों और प्रार्थना के समय बजाया जाता है, तो ये नौबत हो जाएगा, इसका उत्तर होगा नौबत। नेक्स्ट है बेसर और भंवरकड़ी जो आभूषण है वो आपके नाक के आभूषण होंगे। बेसर बेसरी जो कि किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। गोल्डन ट्रायंगल जो है आपके वो दिल्ली आगरा और जयपुर होगा, इसका उत्तर जयपुर आगरा दिल्ली। किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज मक्का मंगरा स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके दिलोनी बेसिन में। नेक्स्ट है हस्तमती मेसवा माजम सहायक नदियाँ हैं, तो ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। अचलदास खींचीरी रचनिका ये शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये LP टेसिटोरी के द्वारा लिखा गया था। राजस्थानी भाषा में मूड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी, ये महाजनी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कोर्स सही है, इसमें सही है वो आपको बताना है। तो सही कथन का चयन करना है, बोराट कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये गलत हो जाएगा। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च है और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है, दोनों सही है B और C। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दोनों B और C है, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है, इनमें से आपको मिलान करना है। टंगस्टन नाना खराब है ये, और एस्बेस्टोस ये आसिंद में आता है, फेल्सपार ये लोहारवाड़ा अजमेर में है, मैगजीन ये रेवासा सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो ये बालसमंद झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार किस जिले में 2019-21 तक वन क्षेत्र 30% से अधिक नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ये जालौर का है, लगभग 32% के लगभग में है ये नेगेटिव माइनस में 32%। किन जिलों का समूह को उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो आरोही क्रम में सबसे कम और सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा बाद में, तो जोधपुर राजसमंद और उदयपुर इसका सही उत्तर होगा। हाड़ौती प्रदेश की प्रधान मिट्टी वो वर्टिसोल्स हैं, वर्टिसोल्स हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी है। नेक्स्ट है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? तो रावली टाटगढ़ जो है वो टाटगढ़ रावली ये एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। राजकिरण और RD57 ये जो की उन्नत किस्म है। किस जिले में सोने के भंडार पाए गए? तो बांसवाड़ा इसका उत्तर होगा, बांसवाड़ा जिले में सोने के भंडार पाए गए। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र ये गुड़ा गांव और गिरल में स्थित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो ये बीकानेर और नागौर होगा, इसका उत्तर जो होगा वो बीकानेर और नागौर होगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों का लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में चयन करें? तो पाली टोंक दौसा अलवर हो जाएगा, इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां है, ये चंबल परियोजना और गांधी सागर जवाहर सागर से संबंधित हैं, तो इसकी जो तीनों ही कथन है वो तीनों ही सही है। चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, गांधी सागर प्रथम चरण में हुआ और जवाहर सागर ये द्वितीय चरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, इनमें आपको मिलान करना है। तो JK सीमेंट ये आपके चित्तौड़ में निम्बाहेड़ा में स्थित है, और बिरला सीमेंट ये आपके चित्तौड़ में स्थित है, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा में आती हैं, नीरश्री सीमेंट ये आपके मोडक में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है उत्तम नस्ल और पशुओं से। सूरती भैंस की नस्ल है, मंगरा भेड़ की है, और बर्बरी ये बकरी की है, मालवी गाय की नस्ल है, गौवंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 21 में निम्न में से किस राज्य
पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार प्राप्त किया गया, तो महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर इसका उत्तर होगा। मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, तो नहरी सिंचाई इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति कब की शुरुआत की गई, तो 2023 में इसकी शुरुआत की गई। लूणी नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है रंगाई और छपाई इकाइयाँ, वस्त्रों की रंगाई छपाई इकाइयाँ। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। भारत राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 67 से 67 तक लागू रहा, बस यही सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ये हुकुम सिंह वाला भी गलत है और ये 352 वाला भी गलत है, तो इसमें केवल एक ही कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री है, ये सही बात है। मंत्रियों की जो संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 30 से ज़्यादा नहीं होगी, ये भी सही है, और 12 से कम नहीं होगी, ये भी सही है, लेकिन इसमें ये 7 से कम होगी, ये गलत है। 7 से कम नहीं होगी, ये 12 से कम नहीं होती हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इनमें से देखो कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, गलत है, वो आपको बताना है। तो इसमें राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की जो वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्रियों में किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी, तो ये भैरव सिंह शेखावत जी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष और उनके आवंटित कार्यकाल में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो ज्योति किरण है इनका कार्यकाल गलत दे रखा है, ये 2010-11 से 14-15 तक नहीं थे, ये 2015 से 2020 तक ये वित्त आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, 2023 तक विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदिनांग कितनी बार भंग की गई, तो ये 2 बार भंग की गई थी। किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, तो उस समय जो राजप्रमुख थे महाराजा सवाई मान सिंह, उन्होंने की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें उच्च भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर आसीन किया गया है, तो ये के एन वांचू और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, तो नगेंद्र बाला ये प्रथम जिला प्रमुख थी, तो ये नहीं रही, ये तो बाकी जो लाड कुमार जैन है, पवन सुराना है और सुमन शर्मा, तीनों ही राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राज रेरा का गठन 2019 में किया गया था, इसका उत्तर होगा 2019। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा आपके 21 जिलों में ये हुआ था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अधिनियम है वो किस दिनांक के उपरांत लागू हुए, तो ये 19 जनवरी 2001 से लागू हुए थे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बीकानेर में 1928 से पहले भी स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये सही बात है, और पंचायती राज व्यवस्था जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर बगदरी ये राजस्थान से शुरू हुई थी, ये भी सही है। और इसमें जो गलत है वो आपकी ये है कि 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में पंचायतों की स्थापना की गई थी, ये इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायी और पारदर्शिता सोसाइटी का गठन कब किया, तो 2019 में किया गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 2019 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है, तो धारा 11 में। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है, तो DS तिवारी जो है वो सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में इन्होंने अध्यक्षता की थी। राजस्थान के मुख्य सचिवों में किसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री तो कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया, तो ये निहाल चंद गोयल हैं, जो कि 2017 में ये मुख्य सचिव बने थे, उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, जो कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 इससे पहले ये रहे थे। जन सूचना पोर्टल में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है, तो जन सूचना पोर्टल में आपको सूचना पाने के लिए SSID की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आवश्यक है, ये गलत है। इसमें कृषि गणना 1516 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूमि जोतों का आकार ये 2.73 हेक्टेयर है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक कितने जिले में फैला हुआ है, तो ये 14 जिलों में फैला हुआ है। निम्नलिखित तो विचार करना है, तो राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में ये दोनों ही कथन सही नहीं है।
78 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के वित्तीय आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया, तो मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। 2022-23 के अग्रिम अनुमान के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना 28.5% है। राजस्थान में 2011-12 और से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, तो ये 4.5%। नेक्स्ट है राजस्थान में रबी मौसम की जो तिलहन फसलें हैं वो है सरसों, तारामीरा और अलसी। मुख्यमंत्री विशेष योगी जन स्वरोजगार योजना में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो आय वार्षिक आय है वो 5 लाख से कम है, ये वाला गलत है, ये वार्षिक आय 2 लाख से कम वाला इसमें शामिल है। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, तो भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना है। किस वर्ष MSME नीति लागू हुई, तो ये 2022 में मतलब शुरू हुई, तो 2022 में शुरू हुई MSME यानी कि राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति। राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जा रही है, तो ये जनता क्लिनिक के द्वारा प्रदान की जा रही है। स्टार्स विश्व बैंक का एक वित्त पोषित परियोजना है जिसमें राजस्थान में क्रियान्वित, इसका उद्देश्य क्या है, तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना है। स्टार प्रोग्राम ये स्कूलों से संबंधित हैं। ये राजस्थान में मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये इसका उत्तर देगा आपकी, इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिया जाने वाला भोजन न्यूनतम 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई, तो अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। निःशुल्क ये RT 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 25% आरक्षित हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर अकेडमी एक्सेलेंस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन केवल 2 सही है, केवल कथन 2 इसमें सही होगा। राजस्थान में कुल 4 जिले में 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया, तो वो जिले कौन से हैं, तो ये अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही हैं। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में लंबाई 374 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान योजना के 55 से अधिक और महिलाएं और 58 से अधिक पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं, तो 75 वर्ष तक की जो महिला पुरुष हैं वो 750 रुपये की पेंशन प्राप्त करते हैं। एक जिला एक उत्पाद में ये दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। 95 में इसमें आपको कौन सा कथन सत्य है, राजस्थान में हस्त नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई, ये सही बात है। इस नीति का उद्देश्य राज्य की हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना, दोनों कथन इसमें सत्य हैं। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी विदेशी फिल्म निर्माताओं की कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान है, तो 2 करोड़ का प्रावधान है। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 शहरों के बीच में चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई थी, तो ये 9 वंदे भारत ट्रेनों को उस समय दिखाई थी, उसमें से जयपुर उदयपुर वाला भी इसमें शामिल है, तो जयपुर उदयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो इसका आयोग का गठन है वो दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, ये 243 तो इसमें सही है, लेकिन इसकी जो डेट है कि 6वां वित्त आयोग का गठन 2020 में हुआ था, तो ये गलत है। ये 6वें वित्त आयोग का जो गठन है वो 12 अप्रैल 2021 को हुआ था, तो ये गलत है, बाकी इसमें सारा सही है कि अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में प्रस्तुत की गई थी राज्यपाल के समक्ष और इसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है, अशोक लाहौटी इसके जो सदस्य हैं, ये बिल्कुल सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है इसमें, जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है, इस जीवाश्म का लगभग कितना वर्ष पुराना है, तो ये 16.7 करोड़ पुराना है। अंतिम क्वेश्चन इसका जो कि करंट से संबंधित है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया, ये 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। ये 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बता दिए गए हैं, फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।